नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। पौड़ी पुलिस ने 75 वर्षीय बुजुर्ग माता जी को मिलाया बेटे से। कोटद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद की HTU टीम को गुमशुदाओं को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द करने के आदेश दिए जाने पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कोटद्वार को सहारनपुर से पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर मनमोहन सिंह द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से एक बुजुर्ग माता का वीडियो भेजा गया। वीडियो में माताजी को बुआखाल जनपद पौड़ी की निवासी बताया गया। उक्त वीडियो का ऑपरेशन स्माइल टीम द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर उक्त गुमशुदा बुजुर्ग माताजी के संबंध में जानकारी की गई तो माताजी का नाम राधा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री गोविंद सिंह, उम्र 75 वर्ष, निवासी सतपाल, धर्मशाला, वार्ड नंबर 9, श्रीनगर रोड, जनपद पौड़ी, गढ़वाल होना पाया गया। पुलिस टीम द्वारा बुजुर्ग माताजी के परिजनों से संपर्क किया गया तो उनके बेटे प्रदीप सिंह नेगी द्वारा बताया गया कि उनकी माताजी विगत 15 दिनों से लापता है और हम लोग उनकी काफी दूर खोज कर रहे हैं, परंतु उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया। पुलिस टीम द्वारा बुजुर्ग माताजी को सहारनपुर उप्र से बरामद कर HTU कार्यालय कोटद्वार लाकर सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस टीम में महिला उपनिरीक्षक सुमन लता, कांस्टेबल संजीव कुमार, कांस्टेबल शेखर सैनी, कांस्टेबल आकाश मीना, महिला कांस्टेबल विद्या मेहता शामिल थी। माता जी 15 दिन से गायब थे और कोटद्वार पुलिस ने इनको ढूंढने में मदद करी है, सहारनपुर में मिले और जो है मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पौड़ी पुलिस